आमतौर पर आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में पुरुष पुरोहित मंत्रोच्चार के साथ विवाह की सभी रस्में संपन्न करवाते हैं। इसके अलावा तमाम कर्म कांडों में भी पुरुष पुरोहित को देखा जाता है। This is a ritualistic wedding and Hindu dharma is a Sanatan dharma. Neither it has got any beginning nor any end. And we are doing this wedding. This is a Vedic chant. We will do the Vedic chanting. लेकिन इस प्रथा को बदलने का काम किया है शुभमस्तु नाम की एक संस्था ने। इस संस्था का नाम है शुभमस्तु। संस्था से जुड़ी महिला पुरोहित पूजा पाठ, विवाह कार्य और तमाम रस्मों को संपन्न कराने में पुरुष पुरोहित से पीछे नहीं है। महिलाएं कर क्या नहीं सकते, अब बताइए। सब कुछ करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इतना पावर तो उन लोगों में है। बता दें कि शुभमस्तु ट्रस्ट महिला पुजारियों द्वारा संचालित एक धर्मार्थ संस्था है, जिसकी स्थापना करीब 15 साल पहले पश्चिम बंगाल में हुई थी। ये संस्था समाज की बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत है। And we are all together. Globally we are together. We respect each other. We don't work for money. We don't work when we don't put much pressure. We shouldn't feel that physically we are working so much. No. It has to come from our heart. Work is worship. That is the main thing. Yes. ट्रस्ट को संचालित करने वाली महिला पुरोहितों का कहना है कि शुभमस्तु एक विचारधारा है जो समाज में महिला और पुरुषों के समान अधिकारों, अवसरों और हर कार्य में बराबर की भागीदारी की बात कहता है, भले ही वो कर्मकांड क्यों ना हो। इसे संपन्न कराने में महिला पुरोहित भी बराबर की भागीदार है। शुभमस्तु believes in women empowerment. We can only believe and we can only stick on that fact that woman is empowered when we can feel that our heart is pure, our heart speaks the truth, heart speaks of unity. दिल्ली एनसीआर में भी शुभमस्तु संस्था अपनी सेवाएं देती है। हाल ही में गाजियाबाद जिले में इस संस्था ने बंगाली रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराए। महिला पुरोहितों को वैदिक मंत्रोच्चार करते देख लोगों की नजरें उन पर ही टिक गई। शुभमस्तु संस्था कन्यादान की रस्म पर विश्वास नहीं करता। महिला पुरोहितों का कहना है कि कन्यादान के लिए नहीं होती, इसलिए हम कन्यादान की रस्म में भरोसा नहीं रखते। तो हम जो जिसके हम खिलाफ है, बिल्कुल भी मतलब सख्त खिलाफ है, वो है कन्यादान। हम समझते हैं कि कन्या कोई दान करने वाली चीज नहीं है। विवाह के दौरान गाए जाने वाले भजन और गीत शुभमस्तु संस्था ने प्राचीन संस्कृत साहित्यों से चुने हैं। इनमें बंगाली संगीत, खासकर रविंद्र संगीत का अच्छा खासा प्रभाव दिखता है। We will definitely use some Ravindra Sangeet, Ravindranath Tagore. I think all of us knows his name. In Bengali we call it Bishwajoni Nabedan, universal appeal. शुभमस्तु संस्था का मकसद है महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में महिलाओं की स्थिरता का समर्थन, ताकि महिला का सही मायनों में सशक्तिकरण हो सके। शुभमस्तु focuses on empowerment of women. The woman will only be empowered. How will a woman get her empowerment? It's a big question. So when a lady can build empowerment within herself, that way empowerment will come through dedication, truth and a very disciplined life and a focused livelihood. वैदिक रीति में पारंगत कई महिला पुरोहित संस्था से जुड़ी हैं, जो विवाह कार्य, गृह प्रवेश, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा जैसे तमाम कार्यक्रम संपन्न करवाती हैं। शादी, जो बरसी होते हैं, जो राइस सेरेमनी होते हैं, पूजा वगैरह होते हैं, सब कुछ हम करवाते हैं।